तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आए हैं कि किस तरह से आप ब्लॉगर पे आसानी से एडसेंस का अप्रूवल पा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने तीनों वेबसाइट्स को खोल लिया जो ब्लॉगर पे होस्टेड है। एक है जो बायोटिक वर्ल्ड, दूसरा दो ऑनटेक है और तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आत्मजीवनी। तीनों पे ही एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है और इसमें मैंने ज़्यादा पोस्ट भी नहीं लिखे हैं और ना ही मैंने इतने अच्छे से वो जो वर्ड्स होते हैं काउंट, वर्ड काउंट 3000 6000 जो भी है वो सब कुछ फॉलो नहीं किया, फिर भी एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। तो मैं आपको रियल में बताऊंगा कि एक्चुअली मैंने क्या किया जो एडसेंस का अप्रूवल मेरे इन तीनों ही जो अकाउंट्स है या फिर तीनों ही जो साइट्स है उस पर एडसेंस का अप्रूवल मिला। मैं एक एक करके आपको बताऊँगा कि मैंने एक्चुअली किया क्या है। तो उसके लिए सिंपली मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको कितने पोस्ट मिनिमम लिखने होंगे ताकि आप एडसेंस का जो वो मिनिमम कंटेंट वाला जो पॉलिसी है उसके वायलेट ना करें और उसको पास कर जाए, यानी उस फर्स्ट स्टेज को पास करना है कि आपका कंटेंट कितना होना चाहिए। तो देखिए, जब जैसा कि मैं सही सही बता देता हूँ, जो ये द बायोटिक वाला आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं जो ये मेरा फर्स्ट वेबसाइट था जहाँ पे मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला था, तो इस समय मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था तो मैंने इसमें 75 पोस्ट लिखे थे, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम नहीं है, ये मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा लिख दिया था। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि इसमें एडसेंस मिलेगा भी, तो उस समय बस लिखते जा रहा हूँ और अचानक से एक दिन मिल गया। तो ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको कितने पोस्ट लिखने चाहिए, एक मिनिमम कितना पोस्ट होना चाहिए कि एडसेंस आपको अप्रूवल दे दे। मैं जब ऑनटेक पे काम करना शुरू किया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम मैंने 12 पोस्ट लिखे थे और 12 पोस्ट लिखने के बाद 2-3 बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने उसके आगे एक भी पोस्ट नहीं लिखा। लेकिन 12 पोस्ट में ही बार बार रिक्वेस्ट रिव्यू कर करके इसमें एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। सेम उसी तरह से मैंने इसमें भी 12 पोस्ट ही लिखे थे, जो आत्मजीवनी का आपको दिख रहा होगा, इसमें भी मैंने सिर्फ 12 पोस्ट ही लिखे थे, ठीक है। तो यानी कि ये ज़रूरी है और एटलीस्ट कि आप कम से कम 12 to 15, कितने सारे यूट्यूबर्स बताएंगे कि आपको कम से कम 20 से 25 पोस्ट लिखने हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है, ऐसा कंटेंट जिसमें वर्ड्स मायने नहीं रखते हैं, लोग बोलते हैं कि 3000 से 4000 वर्ड्स या फिर 6000 वर्ड्स होने चाहिए आपके, तो मैं आपको बता दूं ये द बायोटिक वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम्स है जो या फिर जो न्यूमेरिकल्स है जिसमें बहुत ही कम वर्ड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस थोड़ा सा लिखा हुआ है और यहाँ पे बस आंसर इसमें मैंने चिपका दिया है या फिर आंसर लिख दिया है। तो इसमें आप और जो आंसर है वो पूरा का पूरा एक फ़ोटो है, यानी कि टेक्स्ट तो है ही नहीं, फिर भी एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ, यानी कि उसको वर्ड काउंट से कोई मतलब नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब इमेजेस हैं, तो टेक्स्ट के नाम पे बस यही पोर्शन इतना ही दूर आप जो देख रहे हैं यही टेक्स्ट है। तो ये तो 2000 कभी भी नहीं हो सकता या 3000 कभी नहीं हो सकता। बाकी देख सकते हैं नीचे एड है, मैंने कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा है। एक्चुअली एडसेंस क्या देखता है कि आपका कितना क्वांटिटी में आपने पोस्ट में वर्ड्स डाले उस पर मैटर नहीं करता। हाँ, भले वो SEO रैंकिंग के लिए फैक्टर है एक, लेकिन एडसेंस अप्रूवल के लिए आपका कंटेंट का क्वालिटी मायने रखता है कि यूज़र्स वो क्वांटिटी वो जो कंटेंट है वो देखना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई सिंपल सी बात है, मैथ्स का कोई अगर प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है तो वो कंटेंट है एकदम क्वालिटी वाला है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करना है और उसको सिर्फ उस न्यूमेरिकल से मतलब है कि उसमें किस स्टेप से सॉल्व किया हुआ है, बाकी उसमें क्या लिखा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। जो यूज़र से सिर्फ वो क्या करते हैं, वो स्टेप्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं और बाकी का नहीं पढ़ना पसंद करते। यानी कि जो आपका मेन क्वालिटी है उस कॉन्टेंट का, वो है वो जो सॉल्यूशन किया हुआ है। तो आप अपने पोस्ट में क्या कर सकते हैं, सिंपली मेन क्वालिटी है ना कंटेंट का, जो मेन फोकस वाला जो वर्ड्स होंगे या फिर जो भी आपका कंटेंट का मेन फोकस जो है वो वाला चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। और मैंने बोला सबसे पहले कि मिनिमम आपको 12 to 15 पोस्ट लिखने से हो जाएगा, भले आपका पोस्ट रिजेक्ट हो जाता है एडसेंस के लिए पहली बार में, दूसरी बार अप्लाई कीजिए, तीसरी बार अप्लाई कीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा पोस्ट लिखने, मतलब लिखने के लिए तो लिख सकते हैं लेकिन इतने पोस्ट में भी अप्रूवल मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ऑनटेक में भी मुझे 12 पोस्ट पे ही अप्रूवल मिल गया था और आत्मजीवनी में भी 12 पोस्ट पे ही मिल गया था। तो दूसरी बात है कि क्वालिटी का, यानी कि कंटेंट का क्वालिटी डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरे यूट्यूबर्स की पता नहीं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये द बायोटिक वर्ल्ड में मुझे कभी नहीं लगा था कि इसमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना तक सुना था कि कम से कम 4000-5000 वर्ड्स होने चाहिए ऐसे कुछ या 3000 वर्ड्स होने चाहिए, तो मैं तो सिर्फ
क्या करता था, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके रख देता था, उसमें बाकी तो फोटोज़ होते थे और एक दो टेक्स्ट होता था, तो उसमें तो हज़ार भी वर्ड्स नहीं होते थे, फिर भी एडसेंस अप्रूवल मिला, यानी कि सिर्फ वो कंटेंट के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कम से कम स्टार्टिंग के जो 10-12 पोस्ट है ना, वो आप अपने से खुद से लिखने की कोशिश करें। 10-12 तो लिख ही सकते हो यार, तो 10-12 आप खुद से लिखें। फिर नेक्स्ट आता है कि आप इन सारे वेबसाइट्स को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, मैंने सभी में एक चीज़ कॉमन रखा है, वो है आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे द बायोटिक ग्रुप में, थीम तो हालांकि तीनों में कॉमन है क्योंकि ये प्रीमियम थीम है तो मैंने ख़रीदा हुआ है, तो और दूसरा फ्री का थीम क्यों ही लगाऊं, तो मैंने तीनों में एक ही थीम डाल दिया। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे अबाउट कॉन्टेक्ट अस डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी एंड, ये तो डाउनलोड ऐप ही तो नीचे आपको, तो इस तरह के जो पेजेस है ये आपको बनाना कंपलसरी है, क्योंकि जब भी एडसेंस का बोट या फिर एडसेंस क्राउल करता है आपकी साइट को, तो वो इन सब चीज़ों को ढूंढता है कि अगर यूज़र्स कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो, या फिर यूज़र आपकी साइट के बारे में जानना चाहता है, या फिर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जानना चाहता है कि इस साइट पे जो कंटेंट है उसके लिए क्या पॉलिसी है, या फिर इसके वायलेट करने से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कम से कम अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, डिस्क्लेमर पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, इसी तरह से आप टर्म एंड कंडीशंस का भी पेज बना सकते हैं। तो अगर आपको ये सब पेज कैसे बनाते नहीं पता है तो आप कमेंट करें, और मैं हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करूँगा कि आप किस तरह से जो ब्लॉगर के लिए जो पेजेस होते हैं वो कैसे बना सकते हैं आसानी से। ये जो पेजेस की बात बोल रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सभी साइट्स में इस तरह के पेजेस बना रखे हैं, और ये जो पेजेस है ना आपको हमेशा सामने शो करके रखना है, ऐसा नहीं कि किसी ड्रॉपडाउन मेनू के अंदर यहाँ पे छुपा के रख दें, जैसे आप देख रहे हैं ये क्या ड्रॉपडाउन मेनू के अंदर है, तो इस तरह से वो छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सब मेरा काम का पेजेस मैंने बना के रखा है, लेकिन जो प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस ये सब पेजेस मैंने इसके एकदम फुटर में लगा के रखा है, जो आसानी से लोगों को दिख जाता है, जब भी कोई नीचे स्क्रॉल करेगा उसे सारे पेजेस यहाँ पे एक साथ देखने को मिल जाएगा। सेम उसी तरह से मैंने आत्मजीवनी में भी किया है, तो आपको भी क्या करना है कि इस तरह के सारे पेजेस जो मैंने बताए हैं वो पेजेस आपको क्रिएट करके रख देना है, ताकि जब भी एडसेंस आपके साइट को क्राउल करे तो कम से कम ये पेज उनको पहली ही दफ़ा में मिल जाए, पहली क्राउल में ही वो सारे पेजेस को आइडेंटिफाई कर ले और आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ भेज दे प्रोसेस के लिए। फिर है तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका थीम है, उस वो क्या होना चाहिए, उस थीम में कोई भी ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा यूआरएल नहीं होना चाहिए जो गलत जगह पे किसी यूज़र को रीडायरेक्ट करता है, क्योंकि मैंने इस इरोर को फेस किया है। जो ये ऑनटेक वाला है ना आप देख रहे हैं, इसमें मुझे 2 बार ये इरोर आया था कि आपका साइट किसी गलत या फिर मिसलीडिंग कंटेंट को प्रमोट कर रहा है, या फिर मिसलीडिंग वेबसाइट्स पे लोगों को प्रमोट कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे आप जब फ्री के थीम्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी यूआरएल में थोड़ी सी मोरी गलती होने से भी क्या, जैसे कि कोई कंटेंट है या फिर जो यूआरएल अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए पेज क्या होता है कि उसके जो थीम का जो ओनर है उसके साइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है, या फिर कहता है कि कभी कभी दूसरे एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ वो रीडायरेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के किसी लिंक का होना भी आपके वेबसाइट के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो आप ट्राई करें कि इस तरह के लिंक्स आपके वेबसाइट या फिर थीम में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट ना हो, अगर है तो आप उसे रिमूव कर दें। एक्चुअली एडसेंस अप्रूवल के बाद ये सब मायने नहीं रखता, लेकिन स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें वो ध्यान देता है। आप दूसरा लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा मिसलीडिंग लिंक नहीं डालना है जो उसको गलत जगह पे आपके कंटेंट से मैच नहीं करता है, उस साइट्स पे उनको रीडायरेक्ट कर जाए। और चौथा पॉइंट ये है कि फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि नया नया जब वेबसाइट बनाते हैं या फिर नया नया थीम जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ URLs काम नहीं करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे आपको होम का बटन दिख रहा होगा, सब में ऐसा है, जैसे मैंने यहाँ पे जो पेज बना के रखे हैं या फिर जो भी आपका साइट है उसमें बहुत सारे पेजेस है या फिर लिंक हैं, वो अगर मान लीजिए गूगल बोट आता है आपके साइट को क्राउल करता है और किसी एक लिंक पे, वो तो हालांकि सारे लिंक्स को चेक करता है, मान लीजिए वो इस लिटरेचर वाले या फिर इस यहाँ से SEO ऑप्टिमाइजेशन का जो लिंक है उस पर उसको क्राउल करता है और वो उसको ओपन करने की एक्सेस करने की कोशिश करता है और वो उस सही जगह पर नहीं पहुँच पाता, यानी कि ये लिंक अगर वर्क नहीं कर रहा है, जो
तो इस तरह के लिंक्स भी आपके साइट्स पे नहीं होने चाहिए। ये इरोर भी मैंने फेस किया है, ये ऑनटेक में ही ये इरोर आया था कि क्या है कि कुछ कुछ लिंक्स क्या है, मेनू वाले जो लिंक्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। तो आपको क्या करना है कि सारे जो लिंक्स हैं वो अच्छे से लगाने हैं। अगर आपने एक बार पेस्ट करके बना लिया है कि हाँ, एक बार आपको उसको क्रॉस चेक भी कर लेना है कि वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। आप उसको मोबाइल में ओपन करके चेक कर सकते हैं कि वो लिंक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अगर होम पे क्लिक कर रहे हैं और वो किसी और जगह ही पेज को रिडायरेक्ट कर दे रहा है, या फिर जैसे हाउ टू है तो हाउ टू पे क्लिक कर रहे हैं तो वो कुछ और ही पोस्ट खोल के दे दे रहा है, तो इस तरह से क्या होगा, वो आपको फिर से एडसेंस रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इन अगर चार बातों को आप सिर्फ ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एडसेंस अप्रूवल मिलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा।